सिंध वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि आइंदा चंद रोज तक सूबे के तमाम अजला में बारिशों का कोई इम्कान नजर नहीं आता। माहिर मौसमियात का कहना है कि शदीद गर्मी का ये सिलसिला कई रोज तक जारी रह सकता है। गुज़िश्ता रोज सिंध में मिट्टी और छोर के इलाके से सबसे ज्यादा गर्मी की लपेट में रहे, जहाँ दर्ज हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने मजीद बताया कि शहर कायद में गर्मी की लहर आज भी बरकरार है। कल ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में दिन के औकात में गर्मी का राज बरकरार रहेगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी है उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे दो केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको, यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।